हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरेटी सॉल्यूशन। तो टॉप टेक कंपनियों की तरफ से दोस्तों हमें काफी बड़ी अपडेट अभी देखने के लिए मिल रही है। विप्रो और कॉग्निजेंट ने ऑफिशियली ऑफ कैंपस का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों की एलिजिबिलिटी अलग है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे सारी चीजों के बारे में बताता हूं। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अभी आप लोगों को न्यूटन स्कूल की तरफ से 15,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जिसके माध्यम से आप इनके कोर्सेज को कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं तो 15,000 रुपए स्कॉलरशिप आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर क्लिक करना है और एक कॉल को बुक करना है। बाकी आपको वीडियो में अब मैं बताना स्टार्ट करता हूं दोस्तों कि विप्रो और जो कॉग्निजेंट की तरफ से अपडेट आई हुई है, कैसे आपको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉग्निजेंट की पहले बात करते हैं दोस्तों कि कॉग्निजेंट की तरफ से क्या हमें यहाँ पे रोल देखने के लिए मिल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो कॉग्निजेंट ने दोस्तों ऑफ कैंपस हायरिंग निकाली हुई है, जो कि दोस्तों 2021 और 22 बैच के लिए है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 2021 और 22 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 16 अक्टूबर, ये इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। और अगर बात कर ली जाए कि कितना पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 LPA का पैकेज इन्होंने बताया है कि आपको 4 LPA का पैकेज ऑफर होगा। और आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद आप लोगों को आगे थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, तो आप लोगों को 4.5 LPA का पैकेज इनके द्वारा ऑफर किया जाएगा। अब बात कर ली जाए दोस्तों कि बेसिकली इसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2021-22 BE, BTEC, ME, MTEC, MCA, FZE के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है दोस्तों, वो भी सिर्फ 50% है। मतलब आपका अगर सिर्फ 50% रहा है तो भी आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। काफी बड़ा मौका है, जरूर इसका फायदा उठाइएगा, या आपने उन दोस्तों को बता दीजिएगा जिनका 50% था, जिनका 60% क्राइटेरिया नहीं था और जिसकी वजह से वो टॉप कंपनी में अपनी प्लेसमेंट नहीं लगा पा रहे थे, तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो एजुकेशन गैप है वो 2 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं सुपरसेट, वहीं पे अपडेट आई हुई है। कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो जरूर अप्लाई करिएगा, दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। दूसरे अपडेट पे चलते हैं दोस्तों, जो कि हमें अभी विप्रो की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। तो विप्रो ने भी दोस्तों ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए निकाल दी है। आप जैसा कि देख सकते हैं विप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनका जो करियर पेज है वहां पे आप लोगों को WILP प्रोग्राम देखने के लिए मिल जा रहा है। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 23 के लिए अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और इसमें भी आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज नहीं करनी है, बल्कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपडेट अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉग्निजेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं इस पर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डिटेल वीडियो मैं आपको जरूर लाके बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है और उससे रिलेटेड कौन से फ्री रिसोर्सेज का आपको यूज करना है, जिसके थ्रू आप लोगों को आसानी हो उस प्लेसमेंट को क्रैक करने पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले यार, ये जो WILP प्रोग्राम 23 वाला विप्रो की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो अगर बात कर दी जाए इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट आज ही है, आज ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कि BCA या BSc के स्टूडेंट है। अगर आप BCA या BSc के स्टूडेंट है तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। 23 बैच वालों के लिए अप्लाई करने का इसमें मौका आपको मिलेगा, मतलब 23 बार इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 10th और 12th आपका दोस्तों पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसमें दोस्तों 22 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 23 वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो लोग 22 में पास आउट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जो लोग 23 में पास आउट हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात कर ली जाए कि कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जैसे इन्होंने बताया है दोस्तों कि सबसे पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट होगा। इसके इस ऑनलाइन असेसमेंट में दोस्तों आपसे वर्बल, एप्टीट्यूड और एनालिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा और इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन असेसमेंट के बेसिस में आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद आप लोगों को एक बिजनेस डिस्कशन राउंड फेस करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी और आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ग्रैब हो जाएगी।
जरूर आप ट्राई करिएगा दोस्तों, जो लोग बीएससी और बीसीए हैं उनके साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करिएगा ताकि वो इसका एडवांटेज उठा पाए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।